हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज का जो टॉपिक दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं आप सभी के लेके आ गया हूँ वो है टेम्पोरल पैरामीटर्स ऑफ रियल टाइम वर्कलोड। हालांकि इस स्टेटमेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ने में मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ा और फिर समझा। तो तोड़ते हैं इसको और फिर समझते हैं कि यहाँ पे टेम्पोरल पैरामीटर एक चीज़ है और रियल टाइम वर्कलोड एक चीज़ है। तो भाई टेम्पोरल पैरामीटर्स मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, टाइमिंग बिहेवियर की बात करते हैं आपके किसी एक रिस्पेक्टिव जॉब से रिलेटेड। जैसे कि जॉब जी आई, लेट्स कंसिडर जॉब जी आई, उससे रिलेटेड जो भी आपके टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स एंड बिहेवियर्स होंगे उनकी बात करते हैं हम। उसके बाद आता है रियल टाइम वर्कलोड। रियल टाइम वर्कलोड मतलब क्या कि जो भी आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो वर्कलोड है आपके प्रोसेसर के लिए, इट इज नथिंग बट द जॉब्स। जो जॉब्स आपके पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस द जॉब्स आर गेटिंग रिलीज्ड एट द रिलीज टाइम, उन्हें एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें प्रोसेसर का टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिसोर्सेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हीं के बारे में, उन्हीं जॉब्स के टेम्पोरल पैरामीटर्स के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, उनके बारे में सीखने वाले हैं। कंटेंट आपके सामने है, उसे समझाने वाला बंदा आपके सामने है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पे मैंने टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्री रिक्विजिट टर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने रिलीज टाइम, एब्सोल्यूट डेडलाइन, रिलेटिव डेडलाइन, जो आपके डेडलाइंस होते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, वो सारी चीज़ें एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी विद अ सिंपल एग्जांपल। ओके, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो सारी चीज़ें अब यहाँ पे मैंने मेंशन की है, दीज आर नथिंग बट द टेम्पोरल पैरामीटर्स ऑफ अ जॉब जी आई, लेट्स कंसिडर अ जॉब जी आई। ओके, तो वो जो जॉब जी आई है उसके ये सारे जो हैं टेम्पोरल पैरामीटर्स हैं, और ये एग्जीक्यूशन टाइम भी एक टेम्पोरल पैरामीटर ही है। ओके, इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे ही दी थी। एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ रिलीज टाइम, जैसे कि रिलीज टाइम, ओके, उसके बारे में, क्योंकि हम यहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं रिलीज टाइम से रिलेटेड, कि व्हेन द जॉब इज गेटिंग अवेलेबल टू गेट एग्जीक्यूटेड, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ रिलीज टाइम। कि जब आपका जॉब रेडी है, उस इंस्टेंस ऑफ टाइम को जब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, अवेलेबल है एग्जीक्यूशन के लिए, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस वी कॉल इट एज इट्स रिलीज टाइम। अब रिलीज टाइम में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है रिलेटेड टू दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक। वो है सबसे पहले तो रिलीज टाइम जिटर। रिलीज टाइम जिटर, ये जिटर क्या होता है, वॉट इज दिस जिटर टर्म, इसको समझते हैं। अभी देखिए, अगर मेरे पास ये एक जॉब है रिस्पेक्टिवली जी आई, जो कि मेरा एक रियल टाइम एप्लीकेशन सिस्टम का एक पर्टिकुलर मेरा कोई तो एक वो जॉब है, ठीक है। अब वो जॉब कब रिलीज होगा इसके बारे में प्रायर आइडिया होना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़, कि भाई एक्चुअल में इसका रिलीज टाइम क्या होने वाला है, ये बहुत मुश्किल होता है इसका अंदाजा लगाना, इसको एक तरीके से डिसाइड करना कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल रिलीज टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब जी आई। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, अगर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, एक्चुअल रिलीज टाइम नहीं पता है, तो हम एक रेंज कंसिडर करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं, एक रेंज कंसिडर करते हैं, जैसे कि दिस इज द रिलीज टाइम, आर आई माइनस और आर आई प्लस, इस रेंज के बीच में जो है आपका रिलीज टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर जी आई जॉब कैन एग्जिस्ट, इस रेंज के बीच में वो रिलीज टाइम हो सकता है, और इस रेंज को ही हम कहते हैं रिलीज टाइम जिटर। इसी को हम लोग कहते हैं जिटर ऑफ आर आई। इसे आप क्या भी कह सकते हो, और इसे आप कह सकते हो जिटर ऑफ आर आई। दिस इज नथिंग बट द रिलीज टाइम ऑफ आर आई, इज नथिंग बट द रिलीज टाइम ऑफ द जॉब जे आई, एंड दिस पर्टिकुलर रेंज इज नथिंग बट जिटर ऑफ आर आई, या फिर रिलीज टाइम जिटर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव जॉब जी आई। अब इसमें भी ये जो दो टर्म्स मैंने ली है, आर आई माइनस और आर आई प्लस, क्या आर आई माइनस मतलब दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों जो हैं एक्सट्रीम टाइम्स हैं, एक्सट्रीम रिलीज टाइम्स हैं। यहाँ पे जो ये आर आई माइनस है, इट इज द अर्ली ऑफ अर्लीएस्ट रिलीज टाइम, इट इज द अर्ली ऑफ अर्लीएस्ट रिलीज टाइम। और ये जो आर आई प्लस है, ये दूसरे साइड का एक्सट्रीम है, यानी कि लेट एज लेटेस्ट रिलीज टाइम। मतलब यहां पे अर्ली की बात की जा रही है, यानी कि अर्ली एक्सट्रीम रिलीज टाइम, और यहां पे लेट रिलीज टाइम, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। तो इनके जो टर्म्स है वो अर्लीएस्ट रिलीज टाइम एंड द लेटेस्ट रिलीज टाइम। लेट, बहुत ज्यादा लेट, इससे ज्यादा उसे एक्सीड नहीं किया जा सकता रिलीज टाइम को, ये वो एक्सट्रीम केस है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया रिलीज टाइम जिटर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। अब आते हैं थोड़े अगले टर्म की तरफ, फिक्स्ड रिलीज टाइम। अब यहाँ पे फिक्स्ड रिलीज टाइम मतलब क्या, कि अगर मैं ऐसा करूँ, कोशिश करूँ, मैं ऐसा कुछ मेजर्स लूँ और ऐसी कोशिश करूँ कि मैं
अपने रिस्पेक्टिव जॉब जीआई के रिलीज टाइम को अप्रोक्सीमेट कर सकूं टू अ अर्लीस्ट रिलीज टाइम और लेटेस्ट रिलीज टाइम, देन दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड रिलीज टाइम। एक और बार मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, कुछ मेजर्स लगाता हूँ और उस कोशिश के दरमियान मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जो मेरा ये जॉब जीआई है उसके रिलीज टाइम को मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ टू इधर द अर्लीस्ट रिलीज टाइम और लेटेस्ट रिलीज टाइम, देन वी कैन कॉल इट एज द फिक्स्ड रिलीज टाइम। सिंपल, ताकि हम एक फिक्स कर सके कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी द रिलीज टाइम फॉर द जॉब जीआई। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आते हैं अगले टर्म पे, वो है स्पोरैडिक जॉब्स। स्पोरैडिक रिलीज टाइम्स इन जॉब से जुड़ा होता है। अब ये स्पोरैडिक का मतलब क्या है, लेकिन एक बेसिक मतलब सी क्या होता है ना, कई बार जो हम लोग एम्बेडेड सिस्टम में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी स्मॉल हो लार्ज प्रोडक्ट्स हो प्रोजेक्ट्स हो, उसमें हमारा जो बेसिक जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। एनवायरनमेंट जो है उसे एक तरीके से सेंस कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे आपके सिस्टम पे जो टास्क हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, करेक्ट है कि नहीं। मतलब अभी जो एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स है, ओके, वॉट एवर वी आर सेंसिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, उसी के अप्रोप्रिएट हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो भी जनरेट होना चाहिए, बराबर। और उसके लिए हमें टास्क की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें बहुत सारे जॉब्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब होता क्या है, ये जो भी एनवायरनमेंट है ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, ओके, बड़ा ही रैंडम है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, बराबर। तो इसी वजह से कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि जिनका शेड्यूलिंग नहीं कह सकते, जिनका जो रिलीज टाइम है, ऐसे कुछ जॉब्स होते हैं आपके सिस्टम में जिनका रिलीज टाइम इज रैंडम, उन्हें हम नहीं डिसाइड कर सकते प्रायर नॉलेज, पहले से हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि इस रिस्पेक्टिव टास्क का, इस रिस्पेक्टिव जॉब का जो रिलीज टाइम है वो फलाना दिन का होने वाला है, नहीं कह सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रिगर दैट इट इज गोइंग टू गेट। तो जब वो एनवायरनमेंट से ट्रिगर मिलेगा तो इन दैट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स हमें देना पड़ेगा उस ट्रिगर का, और तब वो टास्क आपका रिलीज होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे कुछ टास्क होते हैं जिनके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही वो ट्रिगर आता है तब जाके वो आपका टास्क जो है वो रिलीज होता है और फिर उसे प्रोसेसर दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, रिसोर्सेज दिए जाते हैं। उन टास्क को कहते हैं, उन जॉब्स को कहते हैं स्पोरैडिक जॉब।